YouTube फैमिली कैसे आप सब उम्मीद करते हुए तमाम मेन भाई खैर खैरियत से होंगे। तो मेथी मैंने काट ली है, वो साफ कर ली है, अभी तोड़ ली है। साबुन ये आ गया और ये मेरी चप्पल पहन ले, मैं नहाने लगी मेरा बेटा। ओए रुको 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 रुको, ये तो कमरे में बैठ के किए ना साफ, तो मैंने थोड़े थोड़े से पत्ते ना लगे भी देने दिए। अब ये तो धोने वालों से रख देते, इसको भी नहलाती हूँ, आप भी नहाओ मैं भी नहाऊँ, ठीक है। ओन मोहम्मद को नहला दिया अब हमने, तो फिर मेरी दोस्त है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो फिर मैंने उसका पता लेने के लिए जाना, इसलिए मैंने मेथी ना अब साफ करके रख ली है। मैंने कहा काट आके लेंगे, पहले उसका ना भाग करना पता लेके आए, ठीक है केशा जी। तो शाम से पहले पहले फिर हमने वापस भी आना, बस ये कि घंटा बैठूंगी, घंटा बैठ के फिर हमारी वापसी हो जाएगी वहाँ से। ऐ जी बालों का हाल देखा, मुंह का हाल देखा अपने का। चलो नहीं लेना मोबाइल, मोबाइल मांग रहा है। मोबाइल नहीं, वो कह रहा मोबाइल पीछे करो, ठीक है। मैं इसको ना फीडर दूँ बना के इसका, ठीक है। मैंने कहा क्योंकि घर से जा रही, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ना फर्नीचर ला दो आन जी, इसे तैयार कर लिया हुआ जी मेरा शहजादा। क्या हुआ? काम नहीं होते, नहीं जा रहे हम। अच्छा काम मिलवाते हुए, ठीक है। अच्छा अच्छा बस 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 बस, तीन चार कच्चियाँ पड़ी हुई थी, कैशन है ना वो तो डाल दी गई थी, मम्मा जब हम आएंगे इसकी सूख जाएंगी जी। दो कच्चियाँ थी बस, मैंने धो दी, दरवाजे भी बंद कर रहे हैं और जल्दी आने वाली कर रही है बस वहाँ से, कभी आप खेलने में लग जाओ। अभी अभी हम पहुंचे हैं घर, बस रखते हो, शाम भी हो चुकी है जी जी। लड्डू बस एक सेकंड, एक सेकंड, बच्चे पहले ही बाहर खड़े हुए थे इंतजार में हमारे। मैंने कहा पर्दा सही करो, वहाँ पे देर इतनी हो गया ना, वो कहते रहे खाना खा के जाना। मैंने कहा नहीं भाई नहीं करो नहीं करो, मैंने कहा खाने का टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि तो हम भी मैंने कहा घर पहुँच जाएंगे, मैंने कहा मैंने तो घर जाके खुद के लिए खाना बनाना है। ना करो मेरा बेटा ऐसे, वो चीखा मार रहा है, आप तो खेल रही हो लेकिन वो गंदा बच्चा ऐसा है ना, उसने चीखा शुरू कर दी। क्यों करे क्यों? मैं तो मेथी काट लूंगी। हाँ जी अब तो टाइम नहीं अम्मा, फिर अब आलू मेथी बना लेते हैं। आलू मेथी बना लेते हैं, वो आ गया, वो आ गया, ये आ गया है मेरा शहजादा का ना, ऐसे ऐसे। या आलू मटर गाजर मेथी बना लो, मेथी थोड़ी सी डाल लो, देख लो फिर आप। हाँ जी जी मेरा लड्डू, मैं क्या आपने क्या, मैं को कुछ कह रहे, मैं भी कह रहे, मैं भी तो बहन भाई टाइम निकालना पड़ता है जी अपना जी जी। पहले मम्मा जी ने मेथी काटी है और अब मटर। हाँ जी कैसा कह रही है, आलू मटर गाजर मेथी मिक्स सब्जी बनाए जी, मिक्स सब्जी बना देते हैं आपको। ये भी शौक से खाते हैं, इनके पापा भी शौक से खाते हैं, इनके पापा के क्या बात है दोनों को, इनके पापा कहते हैं कि ऐसा मेथी ज्यादा हो, मैं कहती हूँ मेथी बस कम हो, कम हो, हल्की फुल्की हो, मैं ना ज्यादा कम डाल दी ना ज्यादा कम डाल दी, बस बुरा बड़ी डाल दी। वो मेथी आधी ली है ना मैंने, आधी काटी है आधी रख दी है। मैं धो रही हूँ आलू क्योंकि मम्मा जी ने ना अभी ये भी काट लिया साथ में, अभी मटर छील रही हूँ अंदर से। ये ले मम्मा जी, मेरे बेटा वहाँ पे छुरी रखी है, वो भी मुझे दे दी होती,
इसमें मेथी में ही है। और अभी तो मैंने आटा भी गूंदना है, रोटी भी पका ली, कोई एक काम नहीं, जो सारा काम पड़ा और मेरा ना। चलो बच्चों आप ये निकाल लो, आलू में तो बेटा ज्यादा है। चलो कुछ नहीं, खैर जितनी मुझे जरूरत होगी ना मैं उतने काट लूंगी, ठीक है ना। फ्रिज में रखी गाजर, मुझे वो भी दे दिया। मैं गाजर भी दे देती हूँ। ये तो बच्चे मेरे हाथ लग गए, लेकिन चलो भाई आप निकलवाओ मेरे साथ दोनों बच्चे मिलके। चले मिल जुल के ना आज का काम हो जाता है, आज गोदम नहीं है घर में। क्या अच्छा ने मुझे अदरक लहसुन टमाटर धोकर दिए, क्योंकि टमाटर तो ऊपर वाले खाने में थे तो फिर जम में जाते हैं, है ना जी। तो जम जाते, फिर मैंने कहा चने ऐसे ना साथ में पीस लेते हैं, सबज मिर्चे नीचे पीस ली। तो पहले भाई आपको पता है मैं धोए बगैर नहीं पीसती, मैंने धोया था, मेथी धोकर मैं पहले रखा हूँ। इस बाउल में निकाल लो, क्या हुआ है मोहम्मद, क्या लेने गए थे? जब पापा घर में लेके आते हैं उस वक्त इन्होंने वो खानी होती है, जैसे यहाँ की ये गंदी मंदी चीजें होती है ना वो इन्होंने खानी होती है। ये भी धुल गए, ये भी धुल गए, प्याज तो मैं साफ ही धो देती हूँ ज्यादा। अब मेरे दिल आज ये कढ़ाई ले लो, ये नीचे से धो लो, और चम्मच अदरक लहसुन टमाटर सब कुछ हमारा ओके है। अभी किचन की सफाई बाकी है, अभी तो वहाँ रुमाल रखे हुए हैं वो बाकी है, और खुदन की वापसी जनाब की देखे कितने बजे होती है कितने बजे नहीं, बस अल्लाह खैर खैरियत से लेके आए। मेरा जी डाल लूँ क्योंकि खुश्क सब्जी है इसमें घी ज़्यादा ही डलता है, लेकिन मैंने फिर भी मुनासिब ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। एक मिनट और मोहम्मद अब बैठ जाओ, आपको लाख खोल के देते हैं अभी, क्योंकि देर भी हो गई। एक तो वो रोकते रहे हमें कि खाना खा के जाओ, मैंने कहा नहीं भी तबीयत का पता करने के लिए आए थे, बस तबीयत पूछ ली अब घर चले, मैंने कहा यही होता है, गैस होता नहीं है। चार बजे चाय मैंने कहा नहीं, बोतल मैंने कहा नहीं, बिना नान वगैरह मंगवाए, मैंने कहा ये पहले ही मैंने कहा तबीयत मेरी इतनी ख़राब हुई, बड़ी बीपी हाई हो जाता है, और यकीन माने जैसे ही नान खा के उठी थोड़ा सा उसे बीपी हाई हो गया मेरा। और मोहम्मद आवाज़ कम करना मेरा बेटा, कम करो आवाज़ इसकी, इसके बाद कम करो, अंकल आंटी डांटेंगे फिर, वो कहेंगे कितना गंदा बच्चा है। तो उसी वक्त फिर मेरा बीपी हाई हो गया, उनका अल्लाह बेहतर करे। फिर रास्ते में से जाते हुए मैं फ्रूट वगैरह ले गई थी, नमक कैल्शियम की चम्मचे सारी कहाँ है मेरा बेटा, मजी अंदर है। अच्छा मैं जूती पहन लूँ, ये नहीं हो गए फिसल के गिरी पड़ी हूँ अंदर में। तो मेरे बहन भाई ऐसा लगता है जैसे कोई सर्दियों की शाम नहीं आती, मगर सर्दी की शाम में भी गर्मी इतनी, ओए होए 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 अल्लाह तो बहुत ही बढ़िया है। ये दो तो मुझे मिल गई है, तीन वो एक और भी है देखती हूँ। अच्छा इसमें ना आलू मटर मेथी गाजर, इसमें मैं ना ये नहीं डालती होती पिसी मिर्च, इसमें ना मैं कुटी मिर्च डालती हूँ, ये जी हमारी दड़ा मिर्च, और अच्छा ये हल्दी वाली चम्मच है, ये हमारा नमक, और
हल्दी। अच्छा मैं कितनी आज ना पागलपन वाला काम मैंने किया हुआ है, जो हल्दी वाली चम्मच थी ना वो इसमें लगाई नहीं, ये है हल्दी वाली और ये तो दूसरी है। चलो इसको धो के ना कैसे इसमें कर लेंगे। और ये धनिया पाउडर हमारा। अच्छा इन सब्जियों के मजे की ना सर्दी में मेडिसिन मेरी सर्दी आ गई मजे तो थोड़ी थोड़ी। क्या मेरा बेटा सर्दी है, दिन में इतनी कहर की गर्मी और रात में हल्की फुल्की सी ठंड आ जाती है। ये रात मैंने मंगवाई थी अपनी मेडिसिन, मैंने कहा मुझे ला दे, पानी लो अंदर से। पहले मैंने कहा यही लो मेडिसिन। अच्छा बहन भाई मजे की बात देखें, एक और सब कुछ धोकर वहां ले गई गाजर, अगर मैं अभी अंदर ना आती ना तो भूल जाती गाजर डालना, गाजर मैंने धोई भी नहीं। मुझे मुझे लग रहा कुछ भूल रही है। क्या भूल रही मेरा बेटा ना? ये आलू के पीस करना। जल्दी के काम ना ऐसे ही होते हैं। वाकई आलू के ना पीस करना मैं भूल गई, इनके पीस कर लेती हूँ और मसाले के अच्छे से बुनाई हो जाए। भूख लगी हुई है? भूख लगी हुई मुझे। आटा गूंद लो फिर जल्दी से, होटल से मंगवा लेते हैं। जब तक सालन तैयार होगा जब तक मैं आटा गूंद लूंगी। ठीक है फिर। आपके अंकल घर नहीं है, अब इसमें मेरा मसला। आपका मसला ये है कि बस आपने मुझे दूध ला कर देना और कम। बस मेरा बेटा यही काम करना आपने मेरा। दो पास में अभी ला रहे। बस असद को जाके क्या देना ना, कहना आंटी कह रही अंकल घर नहीं है दूध दे दें बस। वो अंकल जाने फिर असद अंकल जाने। हाँ जी खा रही है आपने कैसे आपको दुपट्टे में पड़ा? एक मिनट मैं देख लूँ कि दूध दिन वाला कितना। एक किलो आएगा, मैं क्या एक किलो दे दूँ बस। तो मसाले की भी अच्छे से बुनाई लग रही है और इसमें साथ ही मैंने मटर क्यों डाले कि मटर सख्त है, साथ में ये अच्छे से गल भी जाएंगे इसके। जैसे ये गलेंगे फिर मैं मेथी डालूँगी, मेथी के बाद फिर मैं गाजर डालूँगी, फिर आलू डालूँगी। जी मेरा बेटा क्या बनाया? गाजर। गाजर हल्की सी मेथी और गाजर। अच्छा ज्यादा ही लगी हुई है भूख? नहीं लगी हुई, मैंने मम्मा से लेके खाई। अच्छा तो इधर गाजर और आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए। पहले अच्छे से ना इसकी बुनाई की मसाले के साथ ही मैंने मटर डाल दिए थे ताकि मटर ना कच्चे ना रह जाए। तो रुमाल पता नहीं वो रखा था, ये मैं धोकर गई थी, बाकी तीन चार रुमाल हैं वो धोने वाले हैं, मैंने कहा था आके धोऊंगी। तो वैसे इसके नीचे ना हल्की आँच कर देते हैं, ये जब तक सालन गलेगा तब तक इंसान मैं आटा दूंगी। आटा भी हमारा गूंद चुका है और सालन भी तकरीबन तैयार होने को है, तो मेरा दिल ये है कि तैयब को बुला लो, कैसे चाचू तो आए हुए, चाचू से जाके लगवा लो की रोटी। चाचू को कह देते हैं, चाचू को पेड़े कर देती हूँ ना मैं, चाचू को सबसे पहले तकलीफ हो जाएगी, मैं नहीं जाता।
वहाँ देर लग जाएगी। पूछती हूँ मैं अगर जाते हैं तो, ये आटा मैंने ज़्यादा इसलिए गूंदा है कि बहन भाई सुबह भी फिर पराठे वगैरह बना लेते हैं, और जैसा आपने देखा है कि सुबह हलवा ला के फिर बच्चों को वो खिला लिया है, हलवा पूरी कर लिया है, यहाँ पर टाटे वगैरह लगा लेते हैं। अजान भी हो गई है, सालन देखो ना, अरे सालन की खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है, अभी तो खाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा बना। पूछ रहे मां से, चाचू से कहा है चाचू, रोटी लगवा के ला दोगे? वो भी आगे पीछे पीछे और मोहम्मद और जानी खेल रहे हैं, खेलो चलो, ये भी खेल रहे इधर। मैंने कहा रोटियां कड़ी बना लेती हूँ, पांच छह रोटी बनाई है, और ये अकेले फुटबॉल जो है वो गुम हो गई है, वो पूरा घर घूम लिया हमने, नहीं मिली। यही है कि बच्चे जब खेलते तो उनको पता नहीं होता कि हमने कहाँ रखनी है कहाँ नहीं, चूल्हा ज्यादा ना आगे हो गया इधर तो सारा ना मन है बनकर तैयार है। ये घी अलग हो चुका है, ये देख लीजिए इधर दिखाया कि अक्षा मैंने कहा घी अलग हो गया, अब रह गई जी हमारी रोटी, उसके बाद करेंगे जो दिन वाला दूध है ना वो गर्म। लड्डू क्या करने आ गए हो मेरे पास? क्या हो क्योंकि अक्षा कह रही है भूख भूख, मैंने कहा तुम नूर पे जाएंगे तो नूर पे भी आधा घंटा तो कहीं नहीं गया ना तैयब जी, तैयब ने कहा तुमने कांटी आप रहने दे मैं लगवा लेता हूँ, नहीं मेरा बेटा आपको भी लगी हुई होगी अम्मा जी भूख, तो ये था वो बड़ा बंदा जाता ना मोटरसाइकिल पे, मुझे खुद लगी हुई है तो जल्दी लग जाती रोटी ना, तो अभी जब बच्चे जाते हैं ना फिर वो बच्चों को तो तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी देर के बाद लगा के देते हैं रोटी, उन्हें बेचारे ने कसम खाई होती है कि बच्चा आएगा तो मैं देर से दूंगा लगा के, वो बड़ा आएगा तो मैं जल्दी लगवा के दूंगा, मतलब अभी तो खुद हम बहुत पीछे हैं मेरे ख्याल, और गए भी मोटरसाइकिल पे ये काम चल रहे होंगे, अपना मोटरसाइकिल उधर दे के इनके चाचू को दे गए, उनका मोटरसाइकिल दे गए, मतलब मोटरसाइकिल पे इतना लंबा सफ़र, और मैंने सुबह काम 10 बार मैंने मना किया मोटरसाइकिल पे मत जाना, खुद मोटरसाइकिल पे ना जाना, नहीं बाज नहीं आते, ये तो कोट अड्डू है, ये तो कोट अड्डू है, ये ऐसे बोलने कोट अड्डू नज़दीक है। एक रोटी दो तैयार, बैठ जाओ मेरा बेटा, मैं आपको दोनों मोहम्मद तैयार खाना खाना है मेरा बेटा आपने नहीं, अच्छा वो मुझे छुरी दे दो खा के, वैसा के लड्डू के हाथ में ना आ जाए बच्चों से तो दो।